हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग वेस्ट बंगाल, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा वेस्ट बंगाल के पास में है दीघा है, उधर ही हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। सी बीच है, मस्त नज़ारा है पूरा, अच्छा से आप लोग को दिखाएंगे। गोवा जैसा है, आप लोग गोवा तो जानते होंगे ना, गोवा जैसा ही है, तो आप लोग को दिखाते हैं पूरा अच्छा से। हमारा घर से 15 किलोमीटर दूर है वो दीघा जो बोल रहा हूँ उसके बारे में। वो प्लेस मस्त, अच्छा नज़ारा है पूरा, गोवा जैसा ही है, वेस्ट बंगाल साइड का है पूरा, अच्छा से आप लोग को वो दिखाते हैं। चलिए अभी पहले चलते हैं, घर से अभी निकल रहा है, थोड़ी देर रास्ते में है, स्टार्ट करो जाएंगे फिर। मेरे भाई भी गाड़ी चला रहा है, हम लोग चलते हैं फिलहाल। मैं तो ड्राइवर लोग मेरे को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा गाड़ी चलाने के लिए, कभी कभी चला लेता हूँ। इतना ट्रैफिक है, और इधर ये बस स्टैंड है, बहुत बड़ा बस स्टैंड है इधर में, उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर है। देखिए कितना बड़ा बस स्टैंड है, फिलहाल चलते हैं हम लोग बंगाल में। इधर में भी एक बस स्टैंड है क्या? पेट्रोल पंप है, चलो पेट्रोल डालते हैं। फिलहाल अभी पेट्रोल पंप जा रहे हैं हम लोग पेट्रोल डालने के लिए। देखिए अभी पेट्रोल पंप में आया है, पेट्रोल डाल रहा है। फिलहाल पेट्रोल अभी है थोड़ा सा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा तो रास्ते में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पेट्रोल डाल रहे हैं। देखिए पेट्रोल डाल रहा है, देखिए रास्ते के बगल में कितना ज़्यादा पेड़ है, बहुत अच्छा लगता है। पेड़ रास्ते के बगल में रहना चाहिए पेड़। देखिए हर जगह पेड़ है, दोनों साइड में ऐसा ही पेड़ है। देखिए अभी एक कंपनी जैसा है दिख रहे, देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी है क्या भाई? सॉफ्टवेयर कंपनी जैसा ही लग रहा है। देखिए दिखाता हूँ और भी आगे है, अच्छा सा पूरा कांच का बनाया है। देखिए मेरे को तो लगता है सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन मेरे को कंफर्म पता नहीं है। देखिए वो बंगाल साइड का है ये, मेरे को देख के भी बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना अच्छा, ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए। देखिए इधर में डायनासोर बनाया है, ये एक पार्क है, सेंट्रल पार्क करके ये जगह का नाम है। हम दूसरे किसी दिन दिखाएंगे, अभी जा रहे हैं ना हम लोग सी बीच के ऊपर, वो दिखा देते हैं आपको, और दूसरे किसी दिन आएंगे तो वो पार्क दिखाएंगे अच्छा से पूरा। अभी फिलहाल चलते हैं सी बीच के ऊपर। देखिए आप खुद कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बंगाल साइड का है, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग। देखिए मेरे को अच्छा लगा इसीलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। बेंगलुरु में तो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, लेकिन इधर में भी बहुत बड़ा बड़ा बेंगलुरु है, अभी डेवलप हो गया है, और बंगाल साइड का पूरा डेवलप हो गया है। इधर सी बीच भी पास में है ना, बहुत इधर में होटल वगैरह भी इधर है बहुत सारे। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा अच्छा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं खुद। फिलहाल अभी चलते हैं सी बीच के ऊपर, और कुछ रास्ते में आएगा तो अच्छा अच्छा दिखाएंगे आप लोग को, आप वीडियो में बने रहे। इधर में भी बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग भाई। देखिए आप इधर में एक आगे पार्क है, एक दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए पूरा कांच का बनाया है, वही सॉफ्टवेयर कंपनी के जैसा है, लेकिन ये एक पार्क है, पार्क का नाम पता नहीं है, लेकिन किसी दिन जाएंगे तो इसका अंदर आप लोग को जरूर दिखाएंगे। मैं भी कभी नहीं गया, अभी फिलहाल टाइम नहीं है, जब भी आप लोग जाएंगे उसके अंदर पूरा अच्छा से दिखाएंगे जरूर। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मेरे को जाने के लिए मन हो रहा है, लेकिन इधर जाऊंगा तो उधर जाने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो कभी बाद में दिखाएंगे। देखिए ये मेन गेट है पूरा अच्छा से देखिए। देखिए फिलहाल अभी हम लोग पहुँचने वाला है, देख सकते हैं कितना भीड़ है अभी बीच के नजदीक में। देखिए एक पार्क है बहुत बड़ा, वो दूसरे दिन दिखाएंगे, आज फिलहाल अभी चलते हैं दीघा के पास बीच के ऊपर। चमका नजारा है, गोवा सेकंड गोवा है ये। देखिए अभी बहुत नज़दीक में आ गया, चलाओ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, फिर इस लोग को कितना वेट करना पड़ेगा, जल्दी दिखाना है। सस्पेंस रहना चाहिए ना वीडियो में, सस्पेंस रहना चाहिए, फिर भी इतना नहीं। देखिए अभी इधर से देखिए पूरा स्टार्ट हो गया मेला जैसा है,
देखते हैं कैसा है पूरा। गाड़ी किधर पार्किंग करेंगे? नीचे नहीं है, इधर से जाना पड़ेगा। के ऊपर बाइक लेके घूमेंगे आज, तो समझ पा रहे होंगे कितना मजा होगा। देखिए हरिन कैसा है बनाया है, छोटा छोटा हरिन कहता हूँ कैसा है। वो क्या है ना, ऊपर जाके बेटा फाइनली देखिए हम लोग बीच के ऊपर आ गया। देखिए सब लोग नहा रहा है। गाड़ी 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 खड़ा किया है ना उधर रेल साइड में खड़ा कर। देखिए देखिए सब लोग नहा रहा है। इतना गजब का नजारा है, हम लोग को भी देखें नहाने का मन हो रहा है, लेकिन गलती से ड्रेस लाने के लिए भूल गया हम लोग, नहीं तो नहाते पूरा पूरा एंजॉय करते। गुड़ गुड़ लेके पूरा इधर भी है, गुड़ भी लेके नहा सकता है। उतरो उतर जाओ। देखिए हर जगह बहुत भीड़ है, इतना सारा आदमी लोग मतलब नहा रहा है। देखिए बहुत भीड़ है। देखिए चारों तरफ का कैसा है मैं दिखाता हूँ। देखिए कितना लोग इधर नहा रहा है, पूरा बहुत सारा है। देखिए कितना आदमी पूरा नहा रहा है, पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग भी एंजॉय कर रहा है। देखिए अब लोग बहुत मस्ती कर रहा है, पूरा फुल एंजॉय कर रहा है हम भाई और मैं। हल लेकिन ला नहीं पा रहा है, वही थोड़ा बुरा लग रहा है, नहीं तो पूरा एंजॉय कर रहा है आज, बहुत एंजॉय कर रहा है। आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा है, बहुत दिन के बाद में आया हूँ नज़ारे में। पहले गांव में था तो आता था, लेकिन बेंगलुरु से आने के बाद पहली बार आया हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए हम लोग इधर ही वीडियो बना रहे थे, मेरा सब्सक्राइबर लोग इधर ही मिल गया है। देखिए सब लोग मिलाता हूँ, देखिए बोलिए दोस्त इसको सपोर्ट करो, फॉलो करो, ठीक है ना, बहुत अच्छा बंदा है। और मेरे को भी अच्छा लगा इन लोग के साथ मिल के भी, और आप लोग देख पा रहे होंगे ये लोग नहा लिया, हम लोग ड्रेस नहीं लाया तो नहाए नहीं, मिलकर आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगा, वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। चलो ठीक है, तू सब लोग चलो। फिलहाल मैं अच्छा से आप लोग को दिखाया, पूरा दिखा कैसा है। हम लोग आज के लिए इतना ही है, हम लोग अभी जाने वाले हैं, बहुत लेट हो गया, भूख लग रहा है अभी, कुछ खाने के लिए जाना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ। और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।